वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ खुशी इज़ लव फिस्ता। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जो वीडियो कर रहे हैं, जैसे आपके घर में पेंट होते हैं, तो जो पेंट करने का जो टूल है यानी कि पेंट ब्रश, वो हम देखेंगे कि कैसे बनता है। आज हम उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे डिटेल में एकदम। और जहाँ हम जा रहे हैं वो है यूपी का एक शहर है शेरकोट, और उसका एक गाँव है पास में, तो वहाँ हम जाते हैं और देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इस चीज़ की, ब्रश की। तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आइए चलते हैं भैया के पास। भैया आपका क्या काम है? दीपक। तो दीपक भैया को हमें बताएंगे कि ये जो पेंट ब्रश जो हम देखते हैं पेंट होते हुए, तो ये बनता कैसे? तो भैया पहले हमें क्या करना था, ये क्या है ये बता सकते हो? ये वजन करने का काटा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले आप इसको मतलब ये नाप के? नहीं नहीं, पहले इसको वजन रख लीजिए। अच्छा, 55 ग्राम। अच्छा 55 ग्राम। और ये क्या भैया? ये फिलामेंट बोलते हैं इसको, बाल। अच्छा, तो ये आप बनाते हो या कहीं से आते हैं? बहुत जगह से बनवाता है। अच्छा, तो भैया अब इसका वेट कर रहे हैं कि कितना, बिल्कुल सबके बराबर वेट होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बराबर होना चाहिए उसमें। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया है। यहाँ पे ये भैया ने गड्डी बांध के रख दी है। ये क्या भैया? अच्छा, इसका काम मतलब इसको बांधने को होता है? नहीं नहीं, इसमें तो भैया ये जो आपने बराबर से लगाया है ये स्टील का है। सॉरी भैया, तो ये जो स्टील के भैया कहाँ से लाते हो आप? कहाँ से आते? जौनपुर से आता है, जौनपुर से। अच्छा, तो जौनपुर से ये आता है और ये अलग जगह से आता है? हाँ। अलग अलग जगह से आता है, फिर आप इसका ब्रश बनाते हो? हाँ। अच्छा, मैंने खराब कर दिया था, सॉरी। और ये लकड़ी भैया? उसको प्लग बोलते हैं, प्लग। अच्छा, ये कहाँ पे लगती है? ये तो यहीं पे पास में कहीं भी मिल जाएगी। अच्छा, ये यहीं की है। भैया ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, और ये जो लकड़ी है वो बीच बीच में लगाई है जिससे वो एक सपोर्ट में आ जाए। एक बार भैया जूम करके तो दिखा देते हैं। और ये अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा, देखो देख सकते हो, जो दो छोटी छोटी लकड़ियाँ उसको बीच में लगा के इसको फिट कर दिया है। जैसे पहले मैंने निकाला था तो ये निकल गए थे, अभी निकल नहीं रहे हैं। देखो क्या आपने ये दोनों तो मुझे बता दिया कैसे बनते हैं, इसके बाद क्या काम करना होता है आपको? इसमें खिंचाई करनी पड़ती है, इसको बिल्कुल खींचना पड़ेगा। वो कैसे होता है? ये सर तो ये जो पीछे था आपने पूरा उसको आगे खींच दिया है, जिससे पेंट ब्रश बड़ा हो गया, नहीं तो बहुत छोटा सा लग रहा है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ जब भैया ये सेकंड वाला करेंगे। आइए आपको मैं दिखाती हूँ। तो भैया ने अभी ये दो ब्रश तो बिल्कुल सही से हमें दिखा दिए, लेकिन भैया बता रहे हैं कि इसमें फिर केमिकल डालते हो ना भैया? केमिकल किस चीज़ के लिए डालते हो? इसको सेट करने के लिए, इसकी पकड़ हो जाए ताकि मजबूत हो जाए। अच्छा, मतलब जैसे जब हम ऐसे ब्रश करें तो वो निकले ना, सेट हो, तो उसमें भैया केमिकल डाल के कितने टाइम तक के लिए रखना पड़ता है भैया? लगभग 8 से 9 घंटे। अच्छा, 8 से 9 घंटे के बाद वो तैयार होता है, उसके अंदर फिर मतलब सही हो जाता है वो, फिर वो हिलता नहीं है। तो केमिकल डालने के बाद वो कैसे दिखता है भैया? ऐसे रेड कलर का कुछ हो जाता है, तो ये ऐसे आपको दिखेगा केमिकल के बाद ये सेट हो गया है। तो अगर मैं इसमें ऐसे शुरू करूँ तो कुछ नहीं हो रहा इसको। और ये वाला क्या भैया? ये केमिकल डाला है इसमें। अच्छा, तो जब मैं आई तब भैया ने केमिकल डाला था, तब ये ऐसा है, अभी सूख रहा हो गया है ना भैया?
भैया दूसरा क्या स्टेप है, आप कहाँ क्या दिखाओगे आप हमें? तो केमिकल करने के बाद जो केमिकल आपने सेट कर दिया उसके बाद क्या करते हो भैया? उसके बाद इसकी झड़ाई होगी, इसको झड़ा जाएगा। और झड़ाई में क्या होता है, मतलब ऐसा बाल निकलता है इसका, जिससे बाल ना निकले, बाल निकल जाए इसका सारा। अच्छा, मतलब जो अनवांटेड जो है वो चीजें निकल जाए, फिर बाद में पेंट करते कोई दिक्कत ना। अच्छा हाँ, देखो ये गिरा इसलिए करा जाता है, झाड़ा जाता है। सबसे अच्छा पार्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद इसको काटा जाएगा आगे। ये सारा काम आप मतलब खुद से हाथ से ही करते हो? हाँ। तो ये मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत ज्यादा। एक ब्रश बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? एक ब्रश को लग जाएगा 5 मिनट, 5-10 मिनट। भैया फास्ट हो गए इसलिए, 5 मिनट लगते हैं, जिसमें से 8 घंटे उसको सूखने में लगते हैं, सेट वेट करने में। तो मैं का काम तो हर जगह है, तो अगर आप कुछ लिया करें तो ले लिया करें आप। तो भैया क्या दिखा रहे हो आप? इसके बाद इसकी कटिंग होगी। अच्छा, ब्रश का भी हेयर कट हो रहा है। बराबर करने के लिए भैया, तो ये बराबर करने के लिए भैया ने इसका हेयर कट कर दिया। तो ये तैयार हो गया? नहीं, इसमें बंधेगा भी, इसमें हिट लगेगा। अच्छा अच्छा, हिट क्या होता है? मतलब इसका फाइन बनावा के स्लोप लगेगा इसको। अच्छा, चलो भैया क्या वो बाद में बताएंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगी पूरा जो प्रोसीजर, जो पूरे आसपास जो रखा हुआ है सारी चीज़ें, तो वीडियो मैंने ली है। अच्छा, और इसके बाद भैया फिर क्या होता है? इसके बाद इसमें हिट लगेगा। तो वो नहीं दिखाओगे आप? नहीं, वो इसमें रखा जाएगा। अच्छा। तो भैया बताओ, इसके लिए इसमें हिट लगता है, इसमें ऐसे खड़ा करना पड़ता है इसको, उसको। अच्छा, नीचे से मतलब कि इसमें जो ना हिट लगेगी, पॉइंट बन जाएगा इसका। तो ऐसे आप सारे ब्रश मतलब खड़े कर देते हो यहाँ पे? इसमें लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, और नीचे से फिर वो नीचे से इसमें आग लगाई जाती है मतलब? अच्छा, आग लगाई जाती है। उसका भी एक टेम्परेचर होता होगा ना भैया? उसका है 12 मिनट का। अच्छा, 12 मिनट तक करना होता है। तो हीट के बाद अब भैया हमें दूसरे स्टेप पे ले आए, तो भैया आप क्या करने जा रहे हैं? इसमें इसको जोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें कील लगेगा। अच्छा, तो भैया ने वो दूसरा हैंडल, तो भैया हैंडल आप बनाते हो? ये भी आता है घर से? हाँ, ये बना बनाया आता है रेडीमेड। अच्छा, वो कहाँ से लाते हो? ये जौनपुर से भी आता है, काशीपुर से भी आता है। जौनपुर से ज्यादा चीज आती है मतलब। तो अब इसको भैया फिक्स करने के लिए कील लगा रहे हैं इसमें पहले इसको। तो आइए आपको दिखाती हूँ, छोटा छोटा छेद लगेगा। तैयार हो गया। तो ये जो कील लगा दी है भैया ने उस पे ब्रश पे, और ये पूरा फिक्स कर दिया है, 4 कील इधर 4 कील इधर पूरा फिक्स कर दिया है। ये इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी है, तो बन गया है ये ऑलमोस्ट। अब भैया जो कंपनी है उसका स्टिकर लगा रहे हैं, इससे ये पूरा तैयार हो चुका है। ये पेंट ब्रश कितने का मिलता है भैया? ये जो बनाया है कितने का मिलता है? ये कम से कम ऐसी बिकता है 100-120 रुपये। तो 120 का माल एकदम तैयार। तो अगर आप भी कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो भैया ने ब्रश बनाया तो हमें बता दिया कि कैसे बनता है। मैं वो थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको एक बार और ब्रीफ कर देती हूँ। ये आप लकड़ी देख रहे हो, ये वही लकड़ी है जो भैया ने ब्रश के बीच में लगाई थी। तो ये लकड़ी के मतलब बिल्कुल बराबर कटिंग होती है। कटर यहाँ पे ये रखा हुआ है मेरे साइड में, आप इधर देख सकते हैं। तो ये कटर आई थिंक इसका यूज करके ऐसे करके ये कट होता है। तो ये देखो, ये बराबर एकदम बराबर पीस भी रखे हैं यहाँ पे। तो ये भैया ने कटिंग करी होगी। तो अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ कि कटिंग तो करने के बाद जो लकड़ी भैया ने कर लिए, सारे रॉ मटेरियल इकट्ठे कर लिए, अब ये ब्रश कैसे कर। तो ब्रश में अभी ये सिंगल कोट केमिकल का हो गया है। इसके बाद ये जब हो जाता है उसके बाद दूसरा कोट करते हैं भैया केमिकल का, और वो कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हो ऐसा। और जब ये दूसरा कोट भी हो जाता है केमिकल का, उसके बाद ये जो ब्रश आप देख रहे हो
उसकी झड़ाई होती है, मतलब जो अनवांटेड वो उसके बाल होते हैं जो इधर उधर जाते हैं वो सब निकल जाएं, तो उसको भी हम झाड़ते हैं ऐसे हाथ से जिससे वो सारे ब्रश निकल जाएंगे। जो आप देख रहे हो ये झाड़ने वाली ब्रश है, तो देखो जैसे मैं कर रही हूँ मेरे हाथ में ये आ रहे हैं, तो ये ऐसे सारे निकल जाएंगे ना, पेंट ब्रश होगा तो उसमें ये सब लग जाएंगे, तो ये पहले झाड़ते हैं जिससे ये फिक्स हो जाएं। जब ये झड़ जाता है उसके बाद भैया एक पेपर लेते हैं, उसको ये पूरा मतलब रोल करते हैं ऊपर के जो उसके बाल हैं ये सब। तो झाड़ने के बाद भैया यहाँ पे ये जो भट्टी है इसके पास आते हैं और जो ब्रश है हमारे उसमें पेपर फोल्ड करते हैं ऊपर जो उसके ब्रश है वहाँ पे। और आपको अगर आपको भी लग रहा है कि कहीं वो जल जाते हैं बाल मतलब इस टाइप से, तो ऐसा नहीं है, उसमें एक जाली है उसके ऊपर वो रखे जाते हैं, मतलब उसको थोड़ी गर्माहट टाइप ऐसे दी जाती है, तो वो सिर्फ 12 मिनट का होता है। यहाँ से आग लगाई जाती है नीचे और यहाँ पे ऐसे बीच में जाली है। उसके बाद जब ये ब्रश तैयार हो जाते हैं फिर भैया उसमें हैंडल लेते हैं और हैंडल उसको 3-4 किलो से दोनों साइड उसमें ठोक कर अच्छे से उसको स्ट्रांग बनाते हैं और फिर पैकेज कर देते हैं। पैकेजिंग के बाद ब्रश हमारे चले जाते हैं सप्लाई के लिए। तो भैया ने तो हमें दिखा दिया कि कैसे ब्रश बनता है सब कुछ, लेकिन अब मेरा भी मन हुआ कि मैं भी थोड़ा बहुत ब्रश बना लूँ, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो ये भैया के वो हैं जिससे भैया इसको मतलब तोलते हैं, तो उसको हम भी रखते हैं ना, भैया सही कर रहे हो ना, बता देना डांट बांट सकते हो मुझे। ये सारे रख दो भैया? सारे अच्छा, तो सारे रख दिए मैंने, भैया ने बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है मुझे, इससे मैं उनको काम ख़राब ना करूँ। तो इसको रखते हैं, अरे अरे ये सेटर फिसलने वाले हैं, ये वाला बिठा दो। अच्छा ये भी रख दो, ठीक है इसका काटो तो इधर जा दे, मतलब हो गया। ये मैंने इतना छोटा पहली बार देखा है। अच्छा भैया ने कहा कि ये कम है, थोड़ा और रख दो इससे पूरा हो जाए। ओह हो गया ये, अब क्या करूँ भैया, इसको उठा लो पूरा डालो। तो भैया ने ऐसे किया था, मैंने भी देख लिया थोड़ा। अरे ये कुछ ज़्यादा ही टफ भैया, कैसे करते हो ये? ये तो रखा मैंने ऐसे ऐसे करा था ना आपने, उसको मैं इधर कर देती हूँ जिससे ऑडियंस को देखती हूँ मैं। ये बहुत स्लिपरी है, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। लो ये वाला काम करती हूँ भैया। अच्छा ऐसे ओके, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, इसे चला जाए थोड़ा दे पीछे यहाँ से। तो भैया ने मुझे 55 ग्राम का दिया था जिसमें से 5 ग्राम तो शायद मैंने निकाल ही दिया है। उसके बाद हमें इसको सेट करना है, इसमें हमें लकड़ी लगानी है। दोबारा से प्रोसीजर देख लो आप, कोई बात नहीं, ऐसे करके फिर टेढ़ा करके ना भैया ऐसे ऐसे घुमाना है, अब इसमें लगाऊं कैसे? ठीक है करना, ये आप कर दो, मेरे दो हाथ हैं, मैं दो हाथ से कर नहीं सकती। एक ही लगानी है ना भैया, एक इधर लगा दी और एक से ये भैया हमने सिर्फ दो ही हाथ से करते हैं, मुझे ज़्यादा हाथ की जरूरत पड़ रही है। थोड़ा ऊपर करो उसको, ऐसे ऊपर करो, हल्के हल्के और पकड़ भैया और पकड़। अरे वाह ये जा रहा है, लेकिन ये टेढ़ा क्यों हो गया? इसको ऐसा काम साजे, ये मैंने बना दिया, इसमें केमिकल लगेगा और ये ब्रश तैयार, खुशीला फिस्टा का ब्रश। तो वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आप भी कहीं चैनल है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने ही वाली है, तो कहीं जाइएगा नहीं। बाय बाय।